जाते जय श्री कृष्ण। अरे अरे क्या चलते हैं? अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? ना 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 ना, एहू चालतू हशे? ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अरे हमारे सूर्यवंशी परिवार की नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि हम लोगों ने आपसे तोहफे लिए लेकिन आपको पानी तक नहीं पूछे। आपके घर में ना तो मैं कुछ खाना और ना ही कुछ पीना। चलो रहने दीजिए बाजी। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है। चलो। अरे हमारे लिए ना सही, आपकी बेटी विद्या के लिए तो रुक जाइए। देखिए आपको देख के कैसे सूरजमुखी के फूल की तरह खिल गई है ये। विद्या चाय पिलाएगी ना हमें? अरसा हो गया तेरे हाथों की चाय पिए हुए। बस अभी लेके आई, दोनों बैठिए ना। आपको भी मैं वॉशरूम हो गया था। हाँ, कल हमने जो मच्छर भगाने के लिए धुआं किया था उससे मच्छर गए नहीं। नहीं नहीं, नहीं। पूरे घर में मच्छर है। अरे मेघजी भाई एक काम करो, वो जड़ी बूटी का धुआं करो, पूरे घर में करो ताकि मच्छर चले जाए। सोचा है ना वो होना चाहिए बा। अरे बेटा हमने जो सोचा है वैसा ही होगा। हम जो जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके धुएं से पहली बार में तो स्कैफोल्ड पर ज्यादा असर नहीं होगा। दूसरी बार में उसके कदम लड़खड़ाएंगे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और फिर होगा आखिरी बार। उसके अंदर की शक्ति सारी खत्म हो जाएगी, फिर वो गिर पड़ेगा और ऐसा गिरेगा कि फिर कभी अभी उठ नहीं पाएगा। और उसी के साथ अहम मोदी और उसके अस्तित्व का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। कोकिला, डॉक्टर को बुलाओ।
डॉक्टर साहब, सिस्टर। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो रहा है ना। कुकिला दुनिया से तेरे बेटे के उजड़ने का वक्त आ गया है। किला आप अभी बहुत वीक हैं। मैंने कहा अहम को बुलाइए। अहम वो ठीक है, वो अभी आ जाएगा। आ जाएगा अहम। वो मेरा बेटा के ससुराल गए। गौरा मासी के घर आज पार्टी है ना। अहम दुष्ट गौरा के घर गया। मुझे वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अहम को बचाना होगा। थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। क्या हुआ है जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बस ऐसे ही। पापा, ओ भाई फटाकड़ा फोड़ना शुरू करो, हम लोग आते हैं। हा? जी भैया। की जान खतरे में, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। कोकिला ये क्या पागलपन है? कोकिला भगवान के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मिसेस मोदी आप प्लीज लेटे रहिए और हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। काकी जी आप क्या कह रही हैं? मैं जब यहाँ बेहोश थी तब गौरा मेरे पास आई थी और उसने खुद मुझसे कहा कि वो मेरे अहम को तेरे घर के चिराग ने मेरे घर के चिराग पर वार किया है। अब तेरे घर के चिराग के बुझने का वक्त आ गया है। मोटा भाभी इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, इसी साजिश के तहत गौरा ने मेरे अहम और गोपीवा को अपने घर बुलाया और वो अब अवश्य अहम के साथ ऐसा कुछ करेगी कि अहम की जान को खतरा है। हमें जाना ही होगा। मैं अभी अहम भाई को फोन करके अलर्ट कर देता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकले। जय अम्बे, जय अम्बे। क्या आवाज है? क्या हुआ जिगर? दोनों तो फोन ही नहीं उठा रहे। गौरव ने जरूर ऐसी कुछ चाल चली होगी कि वो फोन नहीं उठा पा रहे। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रश्न मेरे अहम की जान का है, इससे पहले कि अहम की जान को खतरा पहुंचे मुझे वहां पहुंचना होगा वरना वो जरूर अहम के साथ कुछ न कुछ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी कोकिला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मोटा भाभी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हमें समय पर वहां पहुंचना होगा वरना हमारी अहम की जान को खतरा है।
तुम मुझसे वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी। हाँ जगह जल्दी से गाड़ी निकालो। जी काकी जी। समझ गए। चले। अरे ये क्या आप सिर्फ चाय पी रहे? कुछ नाश्ता कीजिए। दुर्गेश्वरी देवी जरा नाश्ते के लिए आग्रह कीजिए। जी इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अब चलते हैं। जय श्री कृष्ण। अब आए हो तो कुछ देर के लिए रुक जाइए। गलती हो गई मालकिन। अब गलती हुई है तो गलती सुधारो। जाओ सम्मान के साथ हमारे समधी जी को बाथरूम में ले जाओ ताकि अपने पे लगे हुए दाग ये साफ कर सके। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।